News 18, India. सबसे बड़ी खबर पटना से बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी सांसदों और विधायक मौजूद हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल हैं। बैठक में बिहार के सियासी हालात पर चर्चा हो रही है। बीजेपी आज ही एक बैठक पहले भी ले चुकी है। अब अहम खबर, पटना में बीजेपी की एक और बैठक इस वक्त चल रही है। जितने विधायक बीजेपी के हैं, सांसद जितने हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हैं। अभी जो मौजूदा हालात है बस उसी के ऊपर इस वक्त ये चर्चा चल रही है। पहले की बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने ये कह दिया था, हम तो लोकसभा चुनाव के बारे में रणनीति बना रहे थे, उसी को लेकर मंथन था। जेडीयू के साथ जाएंगे या वो हमारे साथ आएगी, इसको लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से आज ही के दिन दूसरी बार बीजेपी की बैठक इस वक्त चल रही है पटना में। यह अहम बैठक, तस्वीरें अंदर की जरा आप देख लीजिए। चंद्रमोहन का एक बार मैं फिर से रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, अभी बैठक से कुछ निकल कर सामने आया क्या? 7 बजने में अब तो बहुत जरा सा वक्त अब और बचा रह गया है। बिल्कुल, देखिए अभी जो बीजेपी की बैठक शुरू हुई है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उस महत्वपूर्ण बैठक के खत्म होने के बाद ही नीतीश कुमार राजभवन का रुख कर सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो अभी बीजेपी की बैठक चल रही है उसमें क्या निर्णय होता है और जो विधायकों का समर्थन पत्र है वो नीतीश कुमार के पास आना है, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि यह जो 7 बजे नीतीश कुमार के पहुंचने का टाइम है वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। और इससे पहले हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का जो बैठक था 7 बजे, उसे थोड़ा पहले कर लिया गया है, 6 बजे किया जा रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो राजनीतिक तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होते हुए दिख रही है। और जिस तरह से नीरज कुमार का बयान आया है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि अब जो है नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं है, महज एक औपचारिक ऐलान बाकी है। महागठबंधन के साथ है नहीं और अब बस औपचारिकता बन रह गई है। लेकिन चंद्रमोहन, की बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है कि 7 बजे का जो वक्त था वो शायद अब आगे बढ़ सकता है। एक और अहम खबर जो इस बीच मिल रही है वो भी आपको बताए, जेडीयू खेमे से ये बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू के विधायक श्याम 7 बजे नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सभी विधायक चाय पर नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने वाले हैं। शाम 7 बजे नीतीश कुमार से मुलाकात ये सीएम हाउस में रहने वाली है। बड़ी खबर और जाहिर सी बात है इस बैठक में बस ये बता दिया जाएगा, नीतीश कुमार ये बता देंगे कि आगे वो क्या करने वाले हैं। शायद ये भी अब एक औपचारिक मुलाकात भरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब विधायकों को मिलने नीतीश ने बुलाया है तो परामर्श के लिए तो ये मुलाकात होगी नहीं। वो विधायकों से राय तो जरूर ये जानना चाह नहीं रहे होंगे कि भाई बीजेपी के पास जाएं या बने रहे लालू यादव के साथ, आरजेडी के साथ बने रहे। तो अब ये जो बैठक होने वाली है वो सिर्फ औपचारिक ऐलान या नीतीश कुमार के साथ, कहीं उनके जो विधायक हैं उनका तो अब बस बचा नहीं रह गया। वो देखने वाली बात होगी, आगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन मानव अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये आरजेडी दफ्तर से। न्यूज 18 इंडिया के मानव को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मानव, अब आरजेडी के हाथ में क्या बचा?